हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बड़ोदरा में और स्वागत है आपका इस देश के सबसे पहले बनाए जाने वाले बुलेट ट्रेन परियोजना पे। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूँ ये है बड़ोदरा और इस जगह को कहते हैं दशरथ। और आज यहीं का आपको काम दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से L&T और उनकी टीम इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रही है। इधर अगर आप देखोगे तो पिलर्स भी बन चुके हैं, पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया भी जा चुका है। इस तरफ है सूरत और दूसरी तरफ इस तरफ है बड़ोदरा। आपको पहले यहाँ का दिखाता हूँ, उसके बाद बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहां पर कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहली बार इस बुलेट ट्रेन का अपडेट इस जगह से। इस तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ काम किया जा रहा है पिलर्स बनाने का, और इसी तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं बड़ोदरा में जो इसका स्टेशन बनाया जा रहा है। लेकिन पहले इस जगह की बात कर लेते हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो L&T का आपको यहां पर कास्टिंग यार्ड दिखेगा, जिस जगह पर प्री कास्टिंग के जितने भी काम है वो इस वक्त पे आपको करते हुए टीम नजर आएगी। वैसे यहाँ पर आपको सबसे आधुनिक और इस देश का सबसे पहला एक कमाल का लॉन्चर दिखेगा, जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो कार्य है वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर L&T और उनकी टीम कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस लॉन्चर को देखते हैं तो आपको इस बात का भलीभांति यकीन हो जाता है कि इस देश ने कितना अचीव किया है, और खासकर इंजीनियरिंग के मामले में तो बहुत ही ज्यादा। क्योंकि ये जो आप मशीन आप देख रहे हैं जिसकी मदद से इस जगह पर पिलरों को कनेक्ट किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से इस देश में ही बनाया गया है। जी हाँ, आपको सिर्फ इसी परियोजना पे इस वक्त पे ये लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। लेकिन आने वाले वक्त में देश में जैसे जैसे परियोजनाएं बनेंगी तो इस लॉन्चर का आपको उस जगह पर भी इस्तेमाल देखेगा। जिसकी मदद से बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, यह भविष्य में बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस देश के लिए। कास्टिंग यार्ड है तो इसलिए सेगमेंट भी बनाया जा रहा है। ये देखोगे तो यहाँ पर ये फ्रेम्स रखे हुए हैं और इस फ्रेम में कंक्रीट का मसाला डालने के बाद यहाँ पर सेगमेंट तैयार करते हैं। इस तरफ हम और आप जाएंगे तो इस तरफ जा सकते हैं बड़ोदरा, इस तरफ जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं सूरत की तरफ, नवसारी की तरफ, नवसारी भी चलेंगे, लेकिन पहले तो बड़ोदरा का ही देख लेते हैं। आगे जब बड़ोदरा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो पिलर्स हैं उनको अभी बनाया जाना है। पिलर्स तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, ज़्यादातर जगहों पे इस पर पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है, और उसी का कार्य इस वक्त पे टीम जो है यहाँ पर कर रही है ताकि जितने भी पिलर्स हैं उनको बनाया जा सके। वैसे एक और चीज आपको दिखेगा कास्टिंग यार्ड में कि कास्टिंग यार्ड में एक और लॉन्चर सेटअप कर रहे हैं। तो एक ये जो लॉन्चर है ये तो लगाया गया है जो कि सूरत की तरफ जा रहा है, आगे नौसारी की तरफ जा रहा है, लेकिन एक और लॉन्चर यहां पर सेटअप करने की तैयारी की जा रही है जो कि जाएगा बड़ोदरा स्टेशन की तरफ। इसको यहां पर असेंबल किया जा रहा है और जैसे ही इसके असेंबलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्रेन की मदद से लिफ्ट करने के बाद ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। लॉन्चर है इसका जो लेग है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है पिलर के ऊपर, तो इस वाले हिस्से को लेग ही बोलते हैं, और ये इंस्टॉल प्रॉपर हो चुका है। अब तो बस इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने की तैयारी यहां पर की जानी है।
वैसे अगर आप नीचे से देखोगे ना तो ये वाकई बहुत विशाल लगता है, ये जो एलिवेटेड पार्ट का यहाँ पर काम किया है। ड्रोन से आपको इतना बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन नीचे से देखो आप, है ना, लगता है कि कुछ कमाल का बन रहा है इस देश में। और आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको इस बात का भलीभांति यकीन हो जाता है कि बहुत जल्द हमें और आपको इस देश में पहली बार बुलेट ट्रेन के ऊपर सफर करने का मौका मिलेगा। इस बुलेट ट्रेन पे जितने भी स्टेशंस बनाए जाएंगे वो सभी एक दूसरे से अलग होंगे, और ज्यादातर स्टेशन पे ये ध्यान रखा जाएगा कि जिस जगह पर बनाया जा रहा है, जिस सिटी में बनाया जा रहा है, उस सिटी की जो खासियत है, उस सिटी की जो पहचान है, उसकी झलक उस स्टेशन में दिखाई जाए, यही कोशिश है यहाँ पर। और इसी वजह से आपको सभी स्टेशन अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, फैसिलिटी एक जैसे ही मिलेंगे, हाईटेक पूरी तरीके से इस बुलेट ट्रेन की परियोजना के सभी स्टेशन पे आपको। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना पे और क्या कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। वैसे दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएंगी तो यहां पर दिखेगा कि जो पिलर्स है वो बना लिए गए हैं, और इस जगह पर तो वैसे पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है। तो ये पिलर वैसे अगर आप देखोगे तो आपने जितनी भी परियोजनाएं इस वक्त पे देखी हैं उनमें से सबसे हेवी ये आपको देखने को मिलेगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके ऊपर से ट्रेन दौड़ने वाली है, वो भी तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सोचिए इन पिलरों के ऊपर कितना भार पड़ने वाला, और इसी वजह से इन पिलरों को इतना स्ट्रांग बनाया गया है। ट्रेन का वेट अलग होगा, उस पर जो पैसेंजर्स होंगे उनका वेट अलग होगा, और उन सभी को इसको झेलना है, और खासकर हमारे आपके उम्मीदों पे भी खरा उतरना है। इस वजह से इतना स्ट्रांग पिलर यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल हम और आप कर सकें। और सोचिए जब इस जगह से बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो क्या दृश्य होगा। वाव, सोच के ऐसे मजा आ जा रहा है भाई। इस तरफ आगे अगर आप देखेंगे तो बुलेट ट्रेन का काम किया जा रहा है, और वैसे अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे की ये एग्जिस्टिंग लाइन है, और जो बड़ोदरा का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन एग्जिस्टिंग, वो आपको इस तरफ दिखेगा। जी हाँ, सामने यहाँ से जूम करके दिखाऊं तो तकरीबन 1 किलोमीटर बाद आपको बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन भी दिख जाएगा, और उसी के पास यहाँ पर इस जगह पर बुलेट ट्रेन का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और इस बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो बड़ोदरा में यहीं पर होने वाला है, और ये बहुत ही सही जगह पर इसका चयन किया गया है, क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो बस टर्मिनल ये रहा, और सामने आपको रेलवे स्टेशन भी दिख जाएगा, और बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन है जगह का बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाने का। इस तरफ जो बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन है, इस तरफ देखोगे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी काम स्टार्ट होना है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे अगर आप देखोगे तो इधर काम आपको दिखेगा जो कि पाइलिंग का किया जा रहा है। ये देखिए, तो पिलर्स बनाने से पहले जमीन के अंदर जो पिलर्स डालते हैं उनके लिए जो पाइलिंग करते हैं उसका काम इन मशीनों के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो इससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि अभी इस जगह पर बड़ोदरा स्टेशन के पास इस काम का शुभारंभ हुआ है। जी, इस देश के सबसे पहले बुलेट ट्रेन काम का। ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है ये स्टार्ट होता है अहमदाबाद से और ये जाएगा मुंबई तक। 508 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है, और रिपोर्ट के मुताबिक इसको बनाने में 1,08,000 करोड़ की लागत आएगी। वैसे अगर इसमें भूमि अधिग्रहण की बात करूं तो गुजरात में इसका 98.8% जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। दादर नगर हवेली में 100% हो चुका है, और महाराष्ट्र में 75% भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो हो चुका है। 162 किलोमीटर लंबे पार्ट पे पाइलिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 80 किलोमीटर हिस्से पे पिलर्स बन चुके हैं, और साबरमती में जो
पैसेंजर टर्मिनल हब बनना है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखोगे तो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है, सेफ्टी बोर्ड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कंपनी जो काम कर रही है L&T उसी की टीम यहाँ पर नए सेफ्टी बोर्ड्स बनाने का काम कर रही है। L&T RRTS प्रोजेक्ट पे जो काम कर रही है ना वहाँ से बोर्ड लेकर आई है। वैसे जो सामने फ्लाईओवर देख रहे हो इसको भी क्रॉस करेगा ये। ये था अपडेट बुलेट ट्रेन का बड़ोदरा से, और कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम और आप इसी तरीके से मिलकर देखते रहेंगे कि इस तरीके से इस देश के सबसे पहले बुलेट ट्रेन पे काम किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।